सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। आई मीन इंडिया ऑब्वियसली अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेल रहा था, मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली वाज नॉट इन प्लेइंग 11, बट स्टिल अच्छी खासी स्ट्रेंथन्ड टीम थी इंडिया की, बिकॉज ईशान किशन, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या, स्काय, दे ऑल वर इन प्लेइंग 11। और इंडिया की इतनी अच्छी टीम वेस्ट इंडीज की टीम से हार जाए तो ऑब्वियसली ये एक सेटबैक है इंडियन क्रिकेट के लिए। और इंडियन मीडिया में भी इस जो भी इंडिया की हार है इस वजह से बड़ा ही गम गुस्सा पाया जाता है कि, और एक तरह से वो जस्टिफाई भी है, बिकॉज इंडिया में जो बैटिंग है वो हमेशा से इंडिया की बैटिंग अच्छी समझी जाती है, बट इस मैच में बैटिंग ही इंडिया की कोलैप्स करी है। 90 पे कोई विकेट नहीं थी इंडिया की, बट 181 पे सारी कहानी सिमट गई। और ईशान किशन ने है के 50 स्कोर की, शुभमन गिल ने 34 रन स्कोर किए, बट सूर्या कुमार यादव और भी जो बड़े बड़े नाम हैं, शार्दुल ठाकुर वगैरह, ये हार्दिक पांड्या, ये कुछ भी नहीं कर सके। तो ये एक है कि लम्हा फिक्रिया ऑब्वियसली है इंडियन टीम के लिए, और वो भी वर्ल्ड कप से पहले। खैर, मैंने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि मुझे नहीं लगता था कि इंडिया को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए थे, क्योंकि भले वेस्ट इंडीज की थोड़ी हल्की टीम है, बट इंडिया को जो अपना कॉम्बिनेशन रखना है उसी कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें खेलना चाहिए था, क्योंकि एशिया कप में जो उनको कॉम्बिनेशन रखना है इसी हिसाब से उनको खेलना चाहिए था, और वर्ल्ड कप में भी। बट स्टिल पहले भी इंडिया ने जो है कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़े से करे थे फर्स्ट मैच में चेंजेस के, रोहित शर्मा और विराट कोहली 6-7 पे उन्होंने बैटिंग की थी, और अभी ये वाले मैच में ये दोनों खेल ही नहीं रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि ये सही था, बिकॉज वर्ल्ड कप की जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको ओपोनेंट को नहीं देखना है कि ये हल्का है या भारी है या स्ट्रांग है ओपोनेंट, आपको जो आपका है प्लेइंग 11 जो कॉम्बिनेशन आपको रखना है उस हिसाब से आपको खेलना चाहिए था। तो आई थिंक रोहित शर्मा और विराट कोहली को होना चाहिए था। खैर, ये जो इंडिया हारा है ये बड़ी बुरी तरह से मैं कहूंगी हारा है, बिकॉज 181 रन का जस्ट टारगेट मिला था वेस्ट इंडीज को दिया था उन्होंने 40.5 ओवर्स में, यानी पूरे 50 ओवर भी इंडियन टीम नहीं खेल सकी। और जो वेस्ट इंडीज की टीम ने 182 रन का जो टारगेट था वो 4 विकेट के नुकसान पे हासिल कर लिया 36.4 ओवर में, यानी बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो गया था। और 80 बॉल्स बाकी थे मैच के और ये मैच फिनिश हो गया था 6 विकेटों से, वेस्ट इंडीज ने जीता। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज दे कुड नॉट क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप 2023। और अभी जो है कि टेस्ट मैचेस में भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा लो परफॉर्मेंसेस रही थी, बारिश ने है कि उन्हें बचा लिया, वरना 2-0 से वो सीरीज भी वो हारने ही वाले थे। बट अच्छी बात है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए और उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए, ये जीत उन्हें बहुत हेल्प करेगी। बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोचने की बात है बॉस के क्या हो गया है इंडियन टीम को, यानी जो मीडिया भी, जो इंडियन मीडिया भी कह रहा है वो भी यही कह रहा है कि आपके मेन प्लेयर्स जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे या जब ये नहीं खेल रहे होंगे तो क्या इस तरह से हमारा जो यंग टैलेंट है वो परफॉर्म करेगा। स्काय को आप देख लें तो काफी टाइम से उन्होंने कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली, हार्दिक पांड्या भी वर्ल्ड कप के बाद से बिल्कुल ऑफ ऑफ ही है, आईपीएल भी उनका ऐसे ही निकला। तो वर्ल्ड कप से पहले ये सारे साइंस इंडिया को जो है तंग कर रहे हैं, और इंडिया के लिए सोचने की बात है कि अब क्या उन्हें करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इंडिया को जो उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो प्लेइंग 11 उन्हें एशिया कप और वर्ल्ड कप में खिलानी है, उसी के हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए। और एटीट्यूड की भी बात है कि इंडियन मीडिया जो हार्दिक पांड्या का जो एटीट्यूड है, जो उनका स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि 1-1 हो जाए, हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई और हम चाहते थे कि 1-1 हो जाए ताकि लास्ट जो मैच है वो थ्रिलिंग हो जाए। तो आई थिंक जो जीत है वो ज्यादा मैटर करती है रादर देन मेक मैचेस थ्रिलिंग। तो ये भी एक जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन मीडिया में, और सही कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि जो आप तनकीद बराए जो इसलाह करते हो वो सही होती है, बट तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, गलत बातें नहीं होनी चाहिए, प्लेयर्स के पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। आप परफॉर्मेंस पे बात करो और तनकीद बराए इसलाह करो तो सही है। और जो तनकीद की जा रही है इंडियन मीडिया में इस हद तक के प्लेइंग 11 जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए, और अगर मेन प्लेयर्स आपके नहीं होंगे तो आपके यंग टैलेंट को भी ऑब्वियसली परफॉर्म करना चाहिए। खैर, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचने की बात है, और आई थिंक इतना ज्यादा मसले की बात भी नहीं है। एक मैच में ऐसा हो जाता है, और इंडिया है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ से ऑब्वियसली नहीं खेला था, रोहित शर्मा नहीं थे और विराट कोहली भी नहीं थे, और ईशान किशन ने 55 रन स्कोर किए, शुभमन गिल ने 34 रन स्कोर किए, सूर्या कुमार यादव ने 24 रन स्कोर किए इंडिया के लिए। और वेस्ट इंडीज के शाय होप वॉज मैन ऑफ द मैच, 63 नॉट आउट की इनिंग उन्होंने खेली, हालांकि वेस्ट इंडीज की भी विकेट्स जल्दी गिर गई थी, बट स्टिल जो है वो कार्टी और शाय होप ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई और मैच है कि पार हो गया। 48 नॉट आउट की इनिंग कार्टी ने खेली और काइल मेयर्स ने 36 रन स्कोर किए। तो इस हिसाब से
वेस्ट इंडीज के जो है के टीम के हिसाब से दैट वाज माइंड ब्लोइंग, बट इंडिया के लिए ऑब्वियसली सोचने की बात है. और इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो शार्दुल ठाकुर वाज माइंड ब्लोइंग, 3 for 42 उनके फिगर्स थे इन 8 overs. कुलदीप यादव ने 8 overs में एक विकेट को अपने नाम किया, 30 runs उन्होंने दिए. कुलदीप यादव ने फर्स्ट जो मैच था और यह उसमें माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की थी, बट इस बार वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हो सके बिकॉज जो टारगेट भी खैर इतना ज्यादा नहीं था, ये भी एक फैक्टर है. और टॉस जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीता था, उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि अच्छा भी साबित हुआ. ऑब्वियसली 181 पे इंडिया के ऑल आउट कर दिया, और इंडिया जैसी जो बैटिंग उनकी जो है वो स्ट्रेंथ समझी जाती है ऐसी टीम को, तो हैट्स ऑफ टू देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एज वेल. और ऐसे ही वो अगर मेहनत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली दे कैन जो उनके जो ग्लोरीज के जो दिन थे वो उन्हें दोबारा वापस ला सकते हैं वेस्ट इंडीज की टीम वाले. और इंडिया के लिए भी इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऑब्वियसली मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट जो यंग टैलेंट है उसे भी परफॉर्म करना चाहिए. बट इट हैपन्स, ऑब्वियसली क्रिकेट इज अ गेम, ऐसा गेम है कि वहां कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इतना ज्यादा भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. बट जो थोड़ा बहुत है कि आपको कॉम्बिनेशन ऐसा रखना चाहिए, विच आई बिलीव कि जो आपका कॉम्बिनेशन है आपको उसके साथ ही चलना चाहिए. पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहूंगी कि जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज है उसमें फिर पहले जैसे एक्सपेरिमेंट्स ना कर दें जो हमने T20I में किए थे, कि हमने बिल्कुल यंग टैलेंट को भेज दिया था वहां पे राशिद खान और ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के आगे के भाई जाओ और खेलो, और वो फ्लॉप हो गए थे मैं कहूंगी, बिकॉज पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली थी, ना बाबर ना रिजवान ना शाहीन कोई भी नहीं था बैटिंग में, तो कोई था ही नहीं, ना फखर, किसी को भी नहीं भेजा था हमने, बस नहीं बिल्कुल टीम उठा के वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान के आगे रख दी थी. तो अब जो है आई थिंक ऐसा ना हो, जो ODI सीरीज है हम भी उसमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन खिलाए जो हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए चाहिए, और कोई एक्सपेरिमेंट्स ना करें, बिकॉज कॉम्बिनेशन और जो कोऑर्डिनेशन होती है वो ज्यादा जरूरी होती है एज अ टीम आपको खेलने के लिए. तो लग तो रहा है मुझे कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का फुल स्ट्रेंथन स्क्वाड ही अनाउंस होगा, बिकॉज अफगानिस्तान के साथ हमारे मैचेस भी काफी अच्छे होते हैं, काफी थ्रिलिंग होते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है और ऑब्वियसली सबके अगेंस्ट करता है. अफगानिस्तान भी एक अच्छी इमर्ज हो रही है टीम, अच्छी टीम बनने जा रही है. तो पाकिस्तान भी है कि अपनी फुल स्ट्रेंथन टीम के साथ खेले, और इंडिया भी अभी तक मुझे लगता है कि फुल स्ट्रेंथन टीम के साथ ही खेलना चाहिए. और रोहित और ये जो विराट कोहली है, इन्हें इतना ज्यादा कि एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट it? Do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.